बुद्धा का एक एंशियंट कोट है, द ट्रबल इज यू थिंक यू हैव गॉट द टाइम। इस तरह के ज्ञान ओरिएंटेड कोट्स मुझे व्हाट्सएप पर बहुत आते हैं, पर मोस्टली मेरी समझ के बाहर है। बुद्धिज्म से मेरा कोई नाता नहीं है, मगर फिर भी एक बुढ़े मॉन्क से अच्छी दोस्ती हो गई है, और वो दोस्ती कल रात कुछ ज्यादा ही इंटेंस हो गई। हमने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी, और मुझे बदले में क्या मिला? कुछ 4000 एक्स्ट्रा कैलोरीज और एक ब्लॉकबस्टर हैंगओवर। इससे याद आया कि मेरा वेट मेरे ट्विटर फॉलोअर्स से भी ज्यादा है। हर वो चीज जो अमेजिंगली शुरू होती है, इतनी बुरी तरह से एंड की होती है। आई हेट माय लाइफ। मालती, मेरी वो जरूरत जिसके बिना मेरी डियर जिंदगी डियर नहीं रहती। और ये है डिम्पी, मेरे डैड का बेटा। और मैं समटाइम्स आई फील कि मैं इनकी सौतेली बेटी हूँ। मेरी आधी जिंदगी मुंबई की रोड्स पे कटती है। एवरेज कम्यूटिंग टाइम मुंबई दुबई की फ्लाइट से ज्यादा, और टर्बुलेंस फुल। अब तो पॉट होल से भी दोस्ती हो गई है। थैंक्स टू देम मैंने पिछले 2 साल में 6 बार अपने टायर्स चेंज करवाए हैं, विच इज एक्सपेंसिव। सब कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदा है, तभी आई हैड टू गिव अप स्मोकिंग। आई कांट अफोर्ड इट, आई कांट अफोर्ड एनीथिंग। मेरी लाइफ एक इंस्टॉलमेंट पे चलती है जो अब मेरी सैलरी से ज्यादा हो गई है। नूर रॉय चौधरी, जर्नलिस्ट, जोकर। फ्रैंकली कभी कभी मुझे लगता है मैं जर्नलिस्ट कम और जोकर ज्यादा हूँ। बट लेट्स लुक ऑन द ब्राइट साइड, इट्स स्टिल नॉट टू लेट। अगर मैंने अब भी सही वक्त पे सही कदम रखना सीख लिया, तो मैं वहां पहुंच सकती हूँ जहां आई डिजर्व टू बी। आज मेरा 28th बर्थडे है, अनदर ईयर गॉन। दुनिया ने इस साल भी मुझे डिस्कवर नहीं किया, बट अगले साल ये सब कुछ बदलने वाला है। सीरियस जर्नलिज्म की दुनिया को उनकी नई बरखा मिलने वाली है। नो 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 मोर अडल्ट साइंस। इस साल तुम्हारा कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये साल मुझे एक जीता जागता बॉयफ्रेंड मिलने वाला है। इस साल मैं सीधी सावित्री से टेढ़ी सावित्री बनूंगी। Anyway, पहले वर्क फिर लाइफ, हमेशा और हर वक्त। मुझे CNN से फीलर्स आ रहे हैं, क्या पता मेरा ड्रीम जॉब मुझे इस मॉनसून में ही मिल जाए। थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन टू CNN, हाउएवर वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू ब्ला ब्ला। साद ने क्या भेजा? क्या ये स्पाइक एंड ग्लासेस? इसको कैसे यूज करते हैं? ऑफ कोर्स बेबी, ऑफ कोर्स। नूर, हाँ? एक वक्त था जब सारे जर्नलिस्ट शेखर दास जैसा बनना चाहते थे। उसे हमेशा एक्शन के बीचों बीच रहना पसंद था, मगर क्या करें, प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है। शेखर ने लवीना से शादी की और बस उसका खेल खत्म। रिस्क से इश्क तक की जर्नी ऐसी ही होती है। अब बस बेबी डीडी, बीवी, बच्चे, ट्रिप्स और TRPs। I have to go now, baby. Bye. यही है शेखर दास की दुनिया। वहां कहां? वहां। So? Go. किधर? Fun City. What? Sunny Leon, interview. शेखर, मेरे भी प्लान्स हैं। What plans? तुम एक जर्नलिस्ट हो, अब जाओ। क्रू ऑलरेडी रस्ते में। You know what? 11:30 भी नहीं बजे और ऑलरेडी 17 लोग मर चुके हैं लोकल ट्रेन्स पे। और गवर्नमेंट ने जो कोस्टल रोड प्रपोज किया, उसकी वजह से फिशरमैन की लाइफ बर्बाद हो रही है, उसका क्या? और स्विच वर्कर की जो फाइल मैंने तुम्हारे टेबल पे 1 महीने पहले रखी है, उधर वहां सड़ रही है। फिल्म सिटी, सनी लियोन, नाउ।
शेखर, इट्स माय बर्थडे. नो स्वीटी, हैप्पी बर्थडे नूर. अब जाओ. बेबी, मैं उससे मिलने नहीं जा रहा. नहीं नहीं, आई हर्ड दैट. और सुनो, अपना ब्लैक हॉल्टर पहनना, रेड वाला नहीं. ब्लैक मेक्स यू लुक स्लिम. You know what I mean. Did I mention कि लवीना के डैड एक बड़े न्यूज चैनल के ओनर हैं और उन्होंने ये एजेंसी शेखर को दहेज में दी है. और अब हमारी न्यूज एजेंसी का यही काम रह गया है, शेखर के फादर इन लॉ की कंपनी की कचरा स्टोरीज करना. ये है मेरी स्क्रूड अप लाइफ और ये है मेरा स्क्रूड अप जॉब. जूनियर करस्पॉन्डेंट एट द बज. सिर्फ नाम ही कूल है, कोई बज नहीं है यहाँ पे. एंड माई शो मुंबई बिलीव इट और नॉट दुनिया का सबसे पॉइंटलेस शो है. मतलब मैं दुनिया की सबसे पॉइंटलेस जर्नलिस्ट हूँ. यानी कि ये स्टोरी मेरे शो के लिए परफेक्ट रहेगी. क्या मशहूर जर्नलिस्ट शेखर दास अपने ही ऑफिस की सीढ़ियों पे गिर पड़े? क्या इतने गिरे हुए हैं शेखर दास? मेरी एक आदत है, मैं अपने आप से बातें करती हूँ. ज्यादातर जीनियसेस करते हैं. एक गोरेगांव प्लीज. थैंक यू. मुंबई की आबादी है 2.25 करोड़, जिसमें से 50% आदमी है और 50% औरत है. मीनिंग लगभग 1 करोड़ मर्द है इस शहर में. और फिर भी मैं अकेली यहाँ सुपारी दे के किसी को जान से मार डालना एक डिसेंट लड़का ढूंढने से ज्यादा आसान है. उन्हों, अगर मैं आज ही मर गई तो? नूर रॉय चौधरी अपनी जान पर खेलकर चर्चगेट से गोरेगांव की बारिश में सफर करते हुए ट्रेन से गिरकर मर गई इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, वो भी अपने जन्मदिन पर. हेडलाइन तो बनेगा, पता है क्यों? क्योंकि नूर गोरेगांव सनी लियोनी का इंटरव्यू लेने जा रही थी. सो ये है मेरी लाइफ और वो उसकी. क्या इसी को फेम कहते हैं? एक अगली से सफेद डब्बे में अपने दिन बिताना. लेकिन देखो, उसके पास छतरी है, स्पॉट बॉय है, मेकअप मैन है, मेरे पास क्या है? बारिश और ये दो हीरो. बट सीरियसली, व्हाट द हेल एम आई डूइंग हियर? हाय सन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक्स फॉर कमिंग इन स्पाइट ऑफ द रेन. And in spite of it being my birthday. Happy birthday. Thanks. So Sunny. Shekhar, who is this Noor Roy Chaudhary? यप, ये मेरा ही बर्थडे केक है. नहीं नहीं, ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है, ये सच में मेरा केक है और ये सच में मेरी बर्थडे पार्टी है. क्रिएट करना चाहती हूँ. ओके, तो आपका मतलब है कि आप ये हेलमेट कभी नहीं उतारती? वेल ऑब्वियसली व्हेन आई हैव टू वॉश माय हेयर. ओके, और उसके अलावा कभी नहीं? कभी नहीं. हर घर कुछ कहता है, लेकिन मेरा घर रोता है. ठीक मेरी तरह मेरे घर के भी दिल के अरमां आंसू में बह गए. Reporting for Mumbai, believe it or not. Hot. इस घर में तो गीजर भी हॉट नहीं है. Hey birthday girl. लो आ गई जारा, मेरी दोस्त का मम्मी ज्यादा. नूर, ऐसा लग रहा है जैसे फैशन स्ट्रीट ने लिंकिंग रोड पे उल्टी कर दी. Come on, get up. What are you wearing? Nice to see you too. जारा पकड़ी, 1/3 ऑफ मी. जारा के पेरेंट्स के बीच कई सालों से वर्ल्ड वॉर 3 चल रही थी और उसने बहुत कम उम्र में डिसाइड कर लिया था कि वो किसी की नहीं सुनेगी, दुनिया को अपनी सुनाएगी. एंड दैट्स व्हाट आई वांट. #lifegoals. परफेक्ट. ये प्लीज, मैं टॉडलर्स के कपड़े नहीं पहनने वाली. एक्सक्यूज मी, दिस इज हाई फैशन. ये प्ले सूट मैं खुद तेरे लिए लाई थी. नाम भी प्ले सूट है. ऐसा लग रहा है कि हैंगिंग गार्डन में टिफिन लेके पिकनिक मनाने जा रही हूँ. Oh, shut up. ब्लैक पम्प्स और रेड लिपस्टिक के साथ पहन ले. And who knows, तेरे हैंगिंग गार्डन को कोई हॉट लड़का ओवरनाइट पिकनिक पे ले जाएगा. हॉट लड़का? हाँ,
अर्बन लेजेंड। कोई मूड नहीं आगे जाने का। जी या हम घर पे बैठकर गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देख सकते क्या? एब्सोल्युटली नॉट, इट्स योर बर्थडे। दुनिया खत्म हो जाएगी पर ये गीजर फिक्स नहीं होगा। हेलो हेलो नूर, आज तेरा बर्थडे है। I'm not gonna let you sit here and feel sorry for yourself. I hate my life. क्यों इतना ग्रिप करती है नूर? तुझे सिर्फ प्रॉब्लम्स ही क्यों दिखते हैं? कभी अपने ब्लेसिंग्स को भी काउंट करना सीखना। प्रॉब्लम्स है ना जी, बस मैं 2 रुपए की सैलरी और मैं लास्ट 2 स्टोरीज। चक, मैं इश्यू बेस्ड ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म करना चाहती हूँ। लुक एट व्हाट आई एम डूइंग। तो मुंबई में क्या कर रही है? दिल्ली जा। प्लीज यार, दिल्ली में लोग आते जाते टच फील करते हैं। चल इसी बहाने तुझे कोई तो टच करेगा। मुंबई अनएक्साइटिंग है, दिल्ली अनसेफ है, कोई जगह है दुनिया में जो तेरे लायक है? तू ही अपनी लाइफ में ये नेगेटिविटी अट्रैक्ट करी है नूर। Happy birthday. Yes, Saad. Happy birthday. Saad Sehgal, the other one third of me. Usne apna bachpan London mein bitaya. साथ के डैड बड़े शौकीन आदमी थे। बचपन में वो उसे दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में ले जाया करते थे। जब साथ 12 साल का था, उसके डैड की डेथ हो गई और उसकी मॉम उसे वापस मुंबई ले आई। और बस हम तीनों तभी मिले। ज़ारा, साद एंड आई बिकेम द 3 मस्केटियर्स, बचपन के दोस्त। हम तीनों एक दूसरे के लिए काफी हैं, और शुड बी से एक तीसरे के लिए। ओके, बैक टू साद। उसने अपना इनहेरिटेंस यूज किया और लंदन में एक रेस्टोरेंट खोल लिया। पर वो मुझे आज तक वहां लेके नहीं गया है। इनफैक्ट मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये रेस्टोरेंट सिर्फ एक फ्रंट है हॉट गर्ल्स को पटाने के लिए। What time is it in London? Video. No. Why? Because I'm ugly. That bad. खतरनाक। सुन, वीडियो ऑन कर वरना मैं कल आ रहा हूँ। साद, I'm really not interested right now. मुझे पता है तू अपनी एक फ्लूजी से ब्रेकअप के लिए मेरे से टिप मांगेगा and I'm not in the mood. Please. Noor, please. Like I need your help. अच्छा, but seriously, one of my ex-girlfriends started stalking me. I have no idea what to do. So just come here. It's Zara's gig as well. मेरे लिए एक crate old rum भी ले आना। नूर, मैं लंदन से आ रहा हूँ, कोई आर्मी कैंटीन से नहीं। Old rum से अच्छी rum ले आओ। Old rum से अच्छी कोई rum नहीं है, okay? Wow, you look interesting. अरे मेरा बच्चा कहाँ है? Oh shit, dad's coming. I better go. Wow, see. जा। तेरे पापा तुझे बुला रहे हैं। आजा डिंपी बच्चा। ऐसे लगता है मैं इनविजिबल हूँ। कुछ खाता पीता ही नहीं है। पापा को सिर्फ ये डिंपी क्यों दिखती है? मैं क्यों नहीं? डैड, इस घर में कभी कुछ ठीक क्यों नहीं होता? इस घर में लोग हमेशा कंप्लेन क्यों करते रहते हैं? क्योंकि गीजर 3 दिन से नहीं चल रहा। मालती इलेक्ट्रिशियन लाने वाली थी ना। पहले मालती तो आए। आई थिंक मालती सीक्रेटली फ्रेंच है। उसकी वर्क लाइफ बैलेंस बड़ी अच्छी है। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन आती है काम। जीरो कुकिंग के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसने खीर बनाई है। खीर? तुम्हारे लिए एक कटोरी ला दूं? हैं? I hate my life. So this was it. मेरी जिंदगी का 28वां साल ऑन दिस गॉड फॉरसेकन प्लैनेट। यू नो, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मुझे लगता है कि आई हैव हिट रॉक बॉटम। मतलब मैं इतने नीचे हूँ कि इसके नीचे कोई बॉटम है ही नहीं, सिवाय मेरे अपने बॉटम के, जो इस रेट से बढ़ रहा है कि बड़ी जल्दी उसका अपना पिन कोड होगा। मालती! बाय द वे, मैं गाड़ी की स्पेयर चाबी लेके जा रही हूँ। ओके? क्यों? डोंट आस्क लॉन्ग स्टोरी। एनीवे, इलेक्ट्रिसिटी बिल और पैसे वहां रख दिए। मालती को बोल देना जमा करवा देगी। बाकी के सारे बच्चे आजकल ऑनलाइन भर देते हैं। अपने हाथों पर कब से चल रहे हैं? 8 महीने हो गए लगभग मैडम। अब आपका बैलेंस बिगड़ता नहीं है कभी? नहीं, बल्कि और बनता है। और वैसे भी मेरे गुरुजी ने कहा है कि 1 साल तक अपने हाथों पर। एक मिनट,
बोलो। Hi Sunny, thank you so much for joining us today. Thanks for coming out. I mean, in spite of it raining. And in spite of it being my birthday. Happy birthday. No, thanks. So Sunny, हमें बताइए कि इस इंटरव्यू के बाद आप इस इंडस्ट्री में ज़्यादा एक्सेप्टेड फील कर रही हैं? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि and I've just signed 5 movies. Yes, people are taking me more seriously and क्या है स्क्रीन पर? मैं हूँ ना। और ये क्या कर रही है स्क्रीन पर? ऐसा नहीं है जैसे देख रहा है। कैसा नहीं? ऐसा नहीं है कि मैं अपने काम को सीरियसली नहीं लेती हूँ। Really? तुम्हें क्या लगता है? मेरी कोई सीक्रेट डिबॉच नाइट लाइफ है विद लॉट्स ऑफ सेक्स एंड ड्रग्स? लुकिंग लाइक दैट, ड्रग्स परहैप्स, सेक्स डाउटफुल। तुम्हें पता है एक्चुअली कैसा है? तुम्हें अपने काम की कोई कदर ही नहीं होगी भी कैसे? शी इज अ ब्लडी शी इज अ वुमन, शी इज अ स्ट्रांग वुमन जो अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करती है जैसी कि वो है। उसे अपनी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है एंड शी इज टोटली रीइन्वेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम स्क्रैच। इसीलिए आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि शी हैज अ होल नेशन इन द पाम ऑफ हर हैंड एंड अ मेल पॉपुलेशन समथिंग एल्स इन द पाम ऑफ देयर हैंड्स। पहले अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ लो फिर सनी लियोन को जज करना। यू नो ऑनेस्टली शेखर, इट्स नॉट इवन अबाउट सनी। इस महीने मैं तुम्हारे टेबल पर 6 वेल रिसर्च स्टोरीज रख चुकी हूँ जो इस शहर के असली लोगों के असली प्रॉब्लम्स के बारे में। बट मेरी प्रॉब्लम है कि क्यों क्यों हम भी वही घिसी पिटी स्टोरीज करी जो बाकी मीडिया कर रहा है? बिकॉज नूर, मीडिया किसी भी सोसाइटी का आईना होता है। इट्स नॉट माई फॉल्ट कि इस शहर को इसे देखना है और इसे नहीं। हाय साद। हे नूर। आई कांट बिलीव कि तुम ये कह रहे हो शेखर। सुनो, मैं एयरपोर्ट पे हूँ, तुम मुझे पिकअप करने वाली थी। यू वांट टू डू दिस लेटर? होल्ड ऑन, एक्चुअली कैन वी? क्या समझते क्या तुम अपने आप को? कहाँ से आया एटीट्यूड? पैदाइशी है कहीं से, कोर्स किया था? आई एम अ यूनिवर्सिटी टॉपर शेखर, दिमाग है मेरे पास। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है यहाँ पर तो फिर क्यों मुंह उठाकर रोज सुबह चली आती हो? मत आओ। दैट्स द प्लान, सीएनएन भी यही चाहता है। सीएनएन? यप। और वो तुम्हें तुम्हारे फीचर्स के एक्सपीरियंस के बाद वॉर रिपोर्टिंग देने वाले हैं? हाँ, दे फाइनली कॉल मी बैक। गुड लक विद दैट बरका। थैंक यू। और स्लो चला, कहीं हम पहुंच ना जाए। किसने बोला था साथ में बारिश लेके आने? ओके मैन, व्हाई यू बीन सो एग्रो? ओल्ड रम भी नहीं लाया। सुन, इतनी बड़ी सीएनएन की रिपोर्टर होकर तू मेरे साथ एक बॉटल ओल्ड रम के लिए झगड़ा कर रही है? कोई सीएनएन नहीं। नून, मैंने शेखर से झूठ बोला था। तू पागल है कि बेवकूफ? अपेरेंटली दोनों। नो बीबीसी, नो सीएनएन, अब तो जॉब भी नहीं रहा। बैंक बैलेंस 10,000 रुपये से नीचे और ईएमआई सर के ऊपर। कोई बॉयफ्रेंड अब तो होने की उम्मीद भी नहीं है। इससे अच्छा होता मैं राहुल पारिक से ही शादी कर लेती। राहुल, नूर, नूर, राहुल। राहुल इक्वल्स फ्रेंड शैंपेन, नूर देसी राहुल। I want so much about you. All true, I swear. राहुल बोस्टन से आया है। हार्वर्ड, मतलब ब्यूटी और ब्रेन्स दोनों एक साथ। हैशटैग लाइफ सेट। मुझे लगा रोमांस ना सही, एटलीस्ट मुझे एक्शन तो जरूर मिलेगा। राहुल के साथ मुझे डीबा वाली फील आती थी और वो हाई लाइफ मुझे काफी सूट करती थी। जितनी भी कोशिश कर लूं, राहुल पारिक की लाइफ और जारा पटेल की जीन्स दोनों में फिट होना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इस सब के बावजूद राहुल पारिक से शादी मतलब हाथ में बागवती, नाक में कोक और उंगली पे 10 करोड़ का डायमंड। जब इतना सब कुछ मिल रहा हो तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो इंसान झेल ही सकता है। कान से झूमर लटका लिया, ये भी झेल लिया, पर उसकी माँ को झेलना नामुमकिन था। सुमम, ये है नूर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड वी हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। व्हाट ब्यूटीफुल इयररिंग्स। थैंक यू। शी इज अ जर्नलिस्ट, तभी लेट हो गई।
उसके मुंह में जुबान है. I'm sure she can speak for herself. Of course. So, Noori, you're a journalist. Noor. Which newspaper, Noor? Well, actually, I'm a broadcast journalist. And which channel are you on? Well, it's kind of like a local human interest. No, it's more like a news agency. Hum news collect karte hain. We generate and provide content for the channels. Yeah. So, पढ़ाई कहाँ से की तुमने? मुंबई. तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फॉरेन यूनिवर्सिटी भेजने का नहीं सोचा? Well, मैं 4 साल की थी जब मेरी माँ गुजर गई और डैड अफोर्ड नहीं कर पाए तो. शेखर की आदत थी हमेशा गलत वक्त पे फोन करके मेरी थकी हुई सोशल लाइफ की और वाट लगाने की. पर उस दिन जिंदगी में पहली बार उसने मुझे सही टाइम पे फोन किया. सॉरी, हाँ शेखर. छोड़ना नूर, राहुल पारेख इज अ लूजर. वो तुझे डिजर्व नहीं करता. एंड आई'ड से गुड रिडेंस. हाउ एम आई गोना फाइंड एनीवन साद? Well, for now, let's go to the art gallery where mom is dying to see you. Pseudo alert. You know, judge karne se pehle, jige ko ek chance to de do. Haan, you want a drink? Obviously. Hi. Two champagne. Thank you. Hi, sir. Hi, ma. How are you? Good. How's it going? What? Hi. साथ के हाथ में मेरे लिए ड्रिंक नहीं थी, उसकी नई आम कैंडी थी, ज़रीना. ऐसे लग रहा था जैसे एयरलाइन ड्रेस पहन के अभी अभी आची कॉमिक से निकल के यहाँ आ गई हूँ. परफेक्ट बेसलाइन, परफेक्ट हेयर, परफेक्ट लिप्स, लिटिल मिस परफेक्ट. मेरे लिए ड्रिंक लाने वाले थे ना. Did you want a drink? एक घंटे पहले, बट ग्रेप्स होने में वक्त लग गया होगा ना. No, she's jokes. She's a joker. So pretentious. Why do you say that? Kafi dramatic hai. Really? I mean, the chiaroscuro is quite powerful, but I don't know, because zyada negative space nahi hai. How about this one? Who does this? ये बेचारा अपने बाल कटवाने गया था. इसने सोचा भी नहीं होगा इसकी इस हालत में कोई इतनी गंदी तस्वीर खींचेगा. All in the name of art. और ये क्या है? Foreigners हमारे शहर को ऐसे ही देखना चाहते हैं ना. Street kids ना रहे कहीं पे चुपाटी. I mean, पक गई हूँ ये सब देख के. तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे इमेजेस मुंबई की फ्री स्पिरिट कैप्चर करती है? No. I'm Ayonika Banerjee. My friends call me Ayon. Hi, Ayonika Banerjee. I'm Noor Roy Chaudhary. At least हमारे नाम इन फोटो से ज़्यादा कूल है. Excuse me. चल तू और मैं किसी बात पे तो अग्री करते हैं. What? ये छोड़ना वॉना भी लगता है. ये उसकी फोटोज है और उस कमरे में उसको बकवास कही. It's not funny, sir. वाला कैसे एक और डक पे आउट हो गया. Shut up. And she's the wannabe, okay? Are you jealous? Yeah, so jealous. अच्छा चल. किधर? Zara's gig, you elephant. Don't touch me. Ayonika Banerjee, CNN reporter, a man of substance. Mera sapna sach hone ja raha tha, and I blew it. Tere ishq da nasha chadiya ve, mera dil tujh pe hi adiya ve. तेरे इश्क तेरे शा चढ़िया वे, मेरा दिल तुझ पे ही अड़िया वे. हाल हुआ बेहाल हुआ मेरा, हाल हुआ बेहाल, हाल हुआ बेहाल.
हुआ मेरा हाल हुआ बेहाल गुलाबे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया छुपाना दुनिया से बोलेंगे हम सरे आम यारों मिलना है जरूरी मिलते रहे हर शाम बस वो ही करे जो करना हमें ना करना कोई सवाल हाल हुआ मेरा हाल हुआ बेहाल गुलाबे empty time to go home but no what shall I do I am not tired what's next Paris around we gonna laugh till we cry tell your boyfriends can't you see it's ladies night we feel alright and higher than high girls keep on stroking and waving their hips tonight ain't ready yet kiss my lips hey girl kiss my lips kiss my lips ow happening pe aapko to hai bandishon se मारेंगे ना हम किसी की चाहे कोई हो नाराज जीते रहो और जीने दो अपना यही ख्याल हाल हुआ मेरा हाल हुआ बेहाल गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया सुना लो मुझको ओ मेरे यारो समझना मुश्किल हो मालती इतनी छुट्टी कौन लेता है अरे दीदी मेरा भाई का तबीयत खराब हो गया ना दीदी उसको डॉक्टर के पास लेके गए कि नहीं हाँ और ये गीजर कब ठीक होगा यार बुलाते उसको दीदी नौर ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है टेक्निकली या मतलब देर होती अगर जॉब होती या got fired. She know I didn't get fired. I quit, na. I don't have a job anymore. How? So job mein mera potential waste ho raha tha. Salary ke naam pe peanuts dete aur story ke naam pe zoom mein bandar cover karne bhej dete. I got fried. Bilkul apni maa pe gayi ho. Haan. Agar aaj wo zinda hoti, ek celebrated novelist hoti. Her words had that power note. Uska gussa bhi tumhari tarah naak pe rehta tha. पेशेंट शब्द का मतलब उसने कभी जाना ही नहीं था आई विश आई न्यू वो बट आई डोंट थिंक यू गेट इट दैट मुझे अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है ठीक है पर हर चीज वक्त पे है बेटा आप जैसे लोग कैसे अपनी पूरी जिंदगी एक डेड एंड गवर्नमेंट जॉब में बिता देते हो इट वाज नॉट अ डेड एंड जॉब उसमें एक स्टेबिलिटी थी और तुम्हारी माँ के साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता था
एंड इन केस यू डोंट रिमेम्बर, मैंने तुम्हें सिंगल हैंडेडली रेज किया है। आपका मन नहीं किया कभी दुनिया बदलने का? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, वो काम मैंने तुम पर छोड़ दिया है। वापस गिर गया दीदी। Gorgeous. Hi. How was Delhi? Delhi is well. Delhi. Yep. Delhi is Delhi. So I was thinking ki agar tum free ho to aaj sham dinner. Give me a second, yeah. Tonight looks tricky, yeah. Okay then. Never mind. अगली बार जब मैं आऊँ तब मिलेंगे। Hold. आज एक मीटिंग है जो मैं कल कर सकती हूँ, so. That's great. Then drinks tonight? Sure. What are you thinking? No. Flush खराब हो गया है। काम करो ना, मुझे तुम plunge करके करती हो। Dad, please. वही तुम्हारा कमरा है, क्यों और सुन? Dad, I'm on a call, yeah. अरे कौन है? अरे हेलो यंग मैन, मैं नूर का फादर बोल रहा हूँ और ये डिम्पी है। डिम्पी डिम्पी हेलो बोलो। हेलो सर। हेलो डिम्पी। या ओके बाय डैड। ओके ओके जा रहा हूँ मैं। रियली सॉरी अबाउट दैट। इट लुक्स लाइक यू कुड यूज अ ड्रिंक राइट नाउ। या बैडली। That was quick. Cold shower. बस भी दो मिनट लगते हैं और मालती को तो गीजर ठीक कराना है नहीं। मालती? मालती को नहीं जानते? Must beat मालती. In fact, मुझे भी मालती से मिलना है. Drink. Sure. Here you go. Thank you. Cheers to मालती. To मालती. So. I googled you. You googled me? हाँ, आजकल सब एक दूसरे को गूगल करते हैं। And you're a war photojournalist with bloody CNN. पहले था, पर अब मैं अपने stories और photographs अलग-अलग agencies या syndicates में sell करता हूँ। I prefer the freedom. तो उस war zone से इस war zone में कैसे? Versus जो उस art gallery की owner है, वो मेरी friend है। She wanted to showcase some of my work, so बस, I'm here. Yeah, your work is beautiful and I'm very sorry मैं उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल। Politeness की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुझे अपनी photographs exhibit करने के लिए कहा गया, I was like, this isn't really serious. But you know, अगर ढूँढने जाए तो हर शहर में एक छुपा हुआ शहर मिलता है। I like exploring these hidden cities. तो तुमने कभी अपने war photographs exhibit नहीं किए? उस तरह के दर्द और सफरिंग्स एक आर्टिस्टिक प्लेटफॉर्म पे एग्जिबिट करना नहीं, ठीक नहीं लगता। बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई हैं यार। I'm done with war. लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं रहेगी। और वैसे भी हम जर्नलिस्ट के स्टोरीज और फोटोग्राफ से एंड में होता भी क्या है? क्या कुछ बदलता है? कुछ नहीं। इराक में मैंने एक बहुत अच्छा दोस्त खोया था। हम दोनों बगदाद में थे, रिपोर्टिंग लाइव। सदाम के स्टैचू को गिरते हुए देखा था हमने, द मिडल ऑफ फिरदौस स्क्वायर। उस स्टोरी के लिए मैंने गोली खाई, पर मेरा दोस्त, सॉरी, सच में बहुत कुछ देखा है। देखो,
जर्नलिज्म के दो स्कूल्स ऑफ थॉट है, पहला ग्राउंड वर्क एंड रिसर्च, दूसरा राइट प्लेस राइट टाइम। मेरी लाइफ में तो सिर्फ ग्राउंड वर्क एंड रिसर्च है, राइट प्लेस और राइट टाइम मेरे नसीब में नहीं। मीनिंग आई एम अ जर्नलिस्ट एज वेल। रियली गेट आउट ऑफ हियर, व्हाट काइंड ऑफ स्टफ? नहीं बता सकती। क्यों? रियली एम्बैरेसिंग। कम ऑन टेल मी। ओके, तुम जानते हो बांद्रा में एक औरत है जो 24/7 अपना मोटरसाइकिल हेलमेट पहने रखती है। That's interesting. या फिर भिवंडी में एक आदमी है जिसने कसम खाई है कि वो एक साल तक अपने हाथों पे चलेगा। You know, I have so many stories backed up by so much research, पर किसी को पड़ी नहीं। अयोनिका बैनर्जी, XCNN रिपोर्टर, स्ट्रॉन्ग बट सेंसिटिव। क्या मुझे सच में ये दूसरा मौका मिलने वाला है? या कुछ असली ड्रिंक पिए? Old rum? Oh my god, I love old rum. In fact, मेरा दोस्त साथ मुझे रमता जोगी बुलाता है। बदला रही है कुछ भी यूं ही खामखा, कोई तो है वजह, सुनो। ठहरी हूँ मैं तो चलता जाए रास्ता, जादू है हर जगह, सुनो। Coke, please. Diet Coke. Diet Coke. You know, जब भी कोई नया लड़का सीन पे एंटर करता है तो तू कोक से डाइट कोक शिफ्ट हो जाती है। So, where is this imaginary boyfriend? आज कॉफी पे मिलने वाला था, but he ditched. Which is why मुझे इस स्टूल पे बैठकर तेरी गंदी शक्ल देखनी पड़ रही। Okay. Well, next time जब वो बुलाए, तो please पपी डॉग की तरह उसको फॉलो मत करना, हाँ? That'd be unavailable. एडवाइस मांगी मैंने? नहीं ना। मांगी होती तो डेट पे होती। तू तो चाहता ही नहीं कि कभी मेरा घर बसे। हेलो स्वप, कोई पहले कॉफी पे चले जाओ उसके साथ, देन वी टॉक अबाउट घर बसना। जब मैं कोई लाए लड़के को डेट करती हूँ, तुझे बड़ी खुजली होती है। डेट? वो आयान, दैट सूडो, क्या वो जानता है तू उसे डेट कर रही है? He act like an adult, man. क्या? What if I मर जाता तो? I will kill you. क्यों मेरे सर पे लग पड़ा उड़ने ये पतंगों सा आसमां, इन हवाओं में है इश्क तेरा महसूस मैंने कर लिया।
प्यार है, हुआ तुमसे यार है। और क्या चल रहा है लाइफ में? नई जॉब कैसी है तुम्हारी? सो फुल ऑफ शिट। सीरियस जर्नलिज्म करना है ना? स्टार्ट विद दिस। दिस इज डॉक्टर दिलीप शिंदे, अंडर प्रिविलेज के लिए एक नई योजना शुरू की है। गरीबों का इलाज मुफ्त में करेंगे, चाहे वो कैंसर हो या ओपन हार्ट सर्जरी। जो काम गवर्नमेंट नहीं कर पाती वो ये करेंगे। ये डॉक्टर शिंदे तो कपाड़िया ट्रस्ट के लिए काम करता है। सो कपाड़िया ट्रस्ट मीनिंग तुम्हारे बीवी के फैमिली का ट्रस्ट? इज दिस इवन एथिकल? दैट्स इररिलेवेंट। वन, शिंदे गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। टू, ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो इस शहर के असली लोगों की असली प्रॉब्लम्स के बारे में है। तुम्हें करना है? डॉक्टर शिंदे, हाय। नूर रॉय चौधरी। हेलो। इंटरव्यू यहाँ करेगा कहीं और? यहाँ भी ठीक है। सो कैन आई कॉल माय कैमरा क्रू? प्लीज। डॉक्टर शिंदे, मुझे बताइए, ये योजना शुरू करने के पीछे आपका क्या मकसद था? गरीबों की मदद करने की कोशिश जारी रहे और ऐसी योजनाओं का समर्थन करें। यहाँ इस क्लिनिक में हम सिर्फ रेगुलर ट्रीटमेंट ही नहीं करते हैं बल्कि एग्जाम्पल के लिए किडनी स्टोन। दीदी कहाँ जा रही है मालती? ओ, मेरे भाई को दिखाना है ना। प्लीज रूम ठीक करके चली जाना। मालती! हाँ? तूने गीजर ठीक कर दिया, थैंक यू। हाँ दीदी। वाव, इतना गर्म पानी। यहाँ इस क्लिनिक में हम सिर्फ रेगुलर ट्रीटमेंट ही नहीं करते हैं बल्कि एग्जाम्पल के लिए किडनी स्टोन और यहाँ तक कि कैटरेक्ट तक के ऑपरेशन यहाँ होते हैं। क्या आपको लगता है ये योजना सफल मालती? मालती क्या तू रो रही है? क्या हुआ? ये बहुत खाने डमा मुझसे दीदी। क्या? बहुत गंदा आदमी है ये डॉक्टर शिंदे। डॉक्टर का एका जान लेता है लोगों की। क्या बोल रही है, ठीक से बता मुझे। ये आदमी मेरे भाई को बोला कि उसको नौकरी देगा, लेकिन मालती ठीक से बता ना, मैं हूँ, डोंट वरी, बोल। ये बोला मेरे भाई को नौकरी देगा लेकिन उसका किडनी चुरा लिया दीदी। क्या? मुझे बहुत टेंशन हो रहा है दीदी, पता नहीं क्या होगा। किधर है विलास अभी? चल मुझे लेके चल। आजा, उठ। आप आ रहे हैं? हाँ आजा, चल। जिया, नॉट गोना बिलीव दिस, मुझे मेरी स्टोरी मिल गई। बहुत बड़ा ऑर्गन हार्वेस्टिंग स्कैम है। आई एम गोना एक्सपोज इट। ध्यान से नूर। हाँ जी, मैं कल पैदा नहीं हुई थी ना। एनीवे, आई गॉट गोना, आई एम ड्राइविंग। ओके नूर, टेक केयर, आई विल टॉक टू यू लेटर, बाय बाय।
क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, घबराओ मत। दीदी देखने को आई थी, पॉट लाओ सका नीचे लाओ ले नीचे। विलास ये सब कैसे हुआ मुझे बताओ। ओ दीदी उसको आराम करने दो दीदी। नहीं वो बोल रहा है मालती, बोलने दो उसे, बताओ मुझे विलास। शिंदे ने जॉब देने की बात की थी, कहा था नौकरी देगा, लेकिन उसने मेरी किडनी निकाल दी। डॉक्टर शिंदे ने किया ये? हाँ, हाँ। दीदी वो हमको मार डालेगा, आपको भी मार सकता है, ये बंद करो ना। हाँ, दीदी अच्छा कर रही हूँ। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है मालती, इसको मीडिया के सामने लाना बहुत जरूरी है। नहीं दीदी लेकिन ये कैमरा नहीं चाहिए। मालती ये करने के लिए मुझे तुम्हारी इंटरव्यू की जरूरत पड़ेगी। मालती मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रेडी? रेडी बोलना है? हाँ शुरू से बताओ क्या हुआ। एक महीना पहले वो हम लोगों गुलाबा के मच्छी मार चौल से यहाँ पे वो मानकुर्द एसआरएम में शिफ्ट हो गया। तो पहले गुलाबा में मेरे भाई का नौकरी था, तो वो यहाँ पे आ गया तो उसको छोड़ना पड़ा। तो फिर वो नौकरी ढूंढ रहा था, उसको पता चल गया कि वो डॉक्टर शिंदे है, उनका नया क्लिनिक खुला है तो वहाँ पर कुछ वार्ड बॉय का नौकरी है करके। तो बोला कि इंटरव्यू लिया और बोला कि उसका वो मेडिकल चेकअप करेंगा करके, और टेस्ट का जो भी रिजल्ट आएगा तो उसको फिर वो पास हो गया तो उसको नौकरी मिलेगा करके। फिर क्या हुआ? फिर वो लोग बोले कि मेरा भाई का पेट में पथरी है करके, बोले एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो बोले कि फ्री में हो जाएगा ऑपरेशन करके। हम बोले कि सही है, गरीब का दुआ लगेगा, उसका भला कर रहा है। उसके बाद दो दिन के बाद हम लोग घर आया, वो विलास को बहुत बुखार चढ़ गया था, उसका तबीयत एकदम ख़राब हो गया था, उसको बार बार चक्कर आ रहा था। फिर मैंने उन लोगों को फ़ोन किया, वो बोला कि मतलब उन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर हमारी गली में डॉक्टर है, उनको मैंने दिखाया विलास को। डॉक्टर ने क्या कहा? बोला कि मेरा भाई का किडनी निकाल दिया करके। तुमने शिंदे से नहीं पूछा? मैंने पूछा उसको, बोला तुम दोनों किसी को बता देगा तो मैं तुमको चुप करा देगा करके। शिंदे ने खुद तुम्हें धमकी दी? बोला कि हम दोनों को जान से मार डालेगा। वैसे भी हम जैसे लोगों का इस बड़े शहर में क्या कीमत है ना। हम गायब भी हो गया, किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। दीदी इसका क्या करने वाला है?
प्लीज इसको प्लग इन कर दे और वीडियो फाइल खोल देना। शेखर प्लीज इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। अभी? यस अभी। तुम्हारा डॉक्टर शिंदे चोर है, ही इज अ बुचर। कम एंड वॉच दिस। शिंदे ने जॉब देने की बात की थी, कहा था नौकरी देगा, लेकिन उसने मेरी किडनी निकाल दी। मैंने पूछा उसको तो वो बोला कि चुप करा देगा करके। कुछ किसी को कुछ बोला तो चुप करा देगा हमको। तुम समझ रहे हो ना ये क्या है? ये बहुत बड़ा स्कैम है शेखर, हमें इसे एक्सपोज करना पड़ेगा। नूर तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो, और ये लोग ये कौन है, और ये क्या कह रहे हैं कि शिंदे इज पार्ट ऑफ एन ऑर्गन हार्वेस्टिंग रैकेट। मैंने तुम्हें एक पॉजिटिव स्टोरी करने के लिए भेजा था, तुम ये क्या लेकर आई हो? ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है शेखर, एंड वी हैव गॉट द लीड ऑन इट। ये स्टोरी और किसी के पास नहीं है। कुछ साल पहले तुम आग बंद करके ये स्टोरी चला देते, वेरे अब है कि नहीं? शेखर तुमने सुना नहीं मालती ने क्या कहा? ही इज थ्रेटनिंग हर। तुम्हारी सोर्स को पता है ऐसी स्टोरी करने का नतीजा, कि उसकी लाइफ पे कैसा असर पड़ने वाला है? हाँ ऑब्वियसली पता है, इससे तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। लेट मी थिंक अबाउट इट, मेल इट टू मी। दिस इज गोल्ड आर शेखर, डोंट सिट ऑन इट। मंडे प्लीज। कैन यू बिलीव व्हाट आई फाउंड जी? आई न्यू तुझे तेरी स्टोरी मिल जाएगी। आई एम सो चार्ज्ड अप, बस अब इट फॉर शेखर ना, आई नीड टू मूव हिज बट ऑन इट। एनीवे I gotta go. I'll call you later. Ayan se mil rahi hai kya? Yep. Please lipstick touch up kar le. Please, mommy. Bye. Hi. Hey, gorgeous. How are you? Very well. How are you? Good. God, you know what? You have to see this. Here, watch this. Shinde ne job dene ki baat ki thi. कहा था नौकरी देगा, लेकिन उसने मेरी किडनी निकाल दी। तुमने शिंदे से नहीं पूछा? मैंने पूछा उसको तो वो बोला कि चुप करा देगा करके। कुछ किसी को कुछ बोला तो चुप करा देगा हमको। अब ये कौन है? मालती। मालती? मालती। 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 और ये शिंदे कपाड़िया ट्रस्ट वाला, तुम जानते हो उसे? सुना है, डॉक्टर शिंदे कपाड़िया ट्रस्ट पावरफुल लोग हैं। एग्जैक्टली, इसलिए शेखर दास इतनी बड़ी स्टोरी पर बैठकर अंडे दे रहा है। आई विल गेट बैक टू मी ऑन मंडे। सो वी गॉट द रिपोर्ट। इट्स गेटिंग कट, माय एडिटर इज वर्किंग ऑन इट। व्हेन डज इट गो ऑन एयर? यू थिंक इट शुड, राइट? ऑफ कोर्स। अभी और इसी वक्त। दिस इज सीरियस स्टफ। बट आई गेस तुम्हें दो दिन वेट करना ही पड़ेगा। But from the look of it, तो लग रहा है कि तुम एक serious racket को expose करने वाली हो। Call your heart. Let's get out of here. ऐसा कुछ नहीं देखा। You're lucky. I can't believe this is happening. Are you for real? We better do this again tonight, just to be sure.
लिसन, ये हैंगओवर इतनी आसानी से नहीं निकलने वाली. टेक द डे ऑफ, ब्रेकफास्ट करो, पूल साइड पे बैठो, मसाज करो आप. हैप्पी योरसेल्फ. सी यू. Hi Z. Noor, tu kidhar hai? Puri raat soye nahi to, I just crashed. I've called you like 10 times, Noor. Just calm down, Nazim. Main batati hu sab. Forget that. Sun meri baat. Ayan ne teri story chura ke apne naam se post kar di hai. Huh? TV on kar. I'll call you back, Z. Puri tarah se kuch bhi kehna mushkil hai, par agar waqai mein thos saboot mil gaya to is desh ki ek bahut badi family se ye achhai ka parda hamesha ke liye hat jayega. और ये प्रूव हो जाएगा कि इस ऑर्गन हार्वेस्टिंग स्कैम के पीछे कपाड़ियास का ही हाथ है. कौन सोच सकता है कि कपाड़िया जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कामों में भी शामिल होंगे. स्टोरी के ऊपर बैठे रहना भी बहुत बड़ा क्राइम है. यू नो, मालती और विलास तांबे तो सिर्फ एक केस है. आई एम श्योर कि कपाड़ियाज ऐसे और भी कहीं केसेस में जरूर शामिल होंगे. हमें वेट करना ही नहीं चाहिए था. स्टोरी इज गॉन वायरल. ये मेरी स्टोरी थी. माय बिग ब्रेक. इट्स ट्रेंडिंग ऑन एवरी टाइमलाइन, बट किसी को नहीं पता ये मेरी कहानी. ऑल बिकॉज ऑफ यू. और मेरा करियर तो खत्म. All because of you. Because of me. Are you sure इसमें dashing Mr. Ayan Banerjee का कोई contribution नहीं है? एक word है, research. शायद तुमने सुना हो. असली journalists इसे काफी importance देते हैं. Ayan Banerjee एक con man है. But don't worry, तुम पहली नहीं हो जिसके साथ उसने ये game खेला है. अगर हमने ये स्टोरी टाइम पे चलाई होती तो ये सब नहीं हुआ होता शेखर. द रीजन आई डिडंट रन दिस स्टोरी, मुझे पता था एग्जैक्टली यही होने वाला है. तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी स्टुपिडिटी की वजह से मालती और विलास की जिंदगी बर्बाद हो सकती. कोई कॉन्शियंस, एथिक्स, जमीर कुछ है तुम्हारे पास? तुम्हें अभी बस अपने करियर की पड़ी है. जब तुम विलास को शूट कर रही थी, उस जगह की फुटेज निकाल रही थी, तुम्हारे जहन में एक बार भी ये ख्याल आया कि मे बी यू शुड गेट विलास अ डॉक्टर? न्यूज रन्स इन अ साइकिल. दो दिन स्टोरी चलेगी, तीसरे दिन टिकर, चौथे दिन आउट. लेकिन जो जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे. हाँ, तुम इंटेलिजेंट हो नूर और अच्छी खबर सूंघ के निकाल लेती हो, बट एज जर्नलिस्ट हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं. हिम्मत तो जोश में आकर कोई भी दिखा सकता है, पर सब्र से काम लेना यह हर किसी के बस की बात नहीं है. और यही फर्क है एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल के बीच. तुम एक बहुत बेसिक चीज भूल गई नूर. हम सिर्फ जर्नलिस्ट ही नहीं,
इंसान भी हैं। Now get out. शेखर, this time it's final. Get up! नूर, तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम? और ये शिंदे कौन है? मुझे कॉल आया था, कह रहा था नूर को सबसे दूर रखो, वरना ठीक नहीं होगा। किन सब चीजों से नूर? तुम घर आ जाओ, अभी के अभी। आ रही हूँ। नहीं दीदी, लेकिन ये कैमरा नहीं चाहिए। जब तुम विलास को शूट कर रही थी, तुम्हारे ज़हन में एक बार भी ये ख्याल आया कि मेबी यू शुड गेट विलास अ डॉक्टर? दीदी, इसका क्या करने वाला है? बहुत बेसिक चीज भूल गई नूर, हम सिर्फ जर्नलिस्ट ही नहीं, इंसान भी हैं। दीदी, वो हमको मार डालेगा। दी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वक्त लगेगा, बट शील बाउंस बैक। थैंक यू फॉर कमिंग। आई फिगर्ड दिस वाज प्रीटी बैड। अंकल, डू यू हैव एनी आइडिया कि वो थ्रेट कॉल किसका था? पता नहीं, पर जिस तरह उसने धमकी दी, उसकी आवाज सुनते ही मैं डर गया साथ। अब जब तक ये सब सेटल नहीं होता है, प्लीज तुम नूर को कुछ दिनों के लिए बाहर ले जाओ। मालती की कोई न्यूज? अब ये पुलिस केस है, वो उसको और उसके भाई को ढूंढ रहे हैं। यू ट्राई, मैं सबके लिए कॉफी बनाता हूं। ओके। ओए कुमकरण, अप। व्हाट आर यू डूइंग योरसेल्फ? उठ वरना एसी बंद कर दूंगा। यू हैव 10 मिनट्स एंड देन वी हैव अ फ्लाइट टू कैच। मैं कहीं नहीं जा रही। You don't understand what's happened, Saad. अंदर चेक का कर, मालती का भाई ठीक था और I do understand what happened. You really don't. What have I done, Saad? मुझे ये भी नहीं पता कि वो लोग विलास को कहाँ ले गए और मालती Is she even safe? But is there anything you can do about it? देख, I understand what you're going through, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। पर नूर, ये लोग बहुत dangerous हैं। तुम्हें threat calls आ रहे हैं। Your dad is really worried. So please, एक बार, बस एक बार, अपने बारे में नहीं, उनके बारे में सोचो। Okay? जैसे मुझे कोई खबर मिलती है मालती के बारे में, I will let you know. I promise. कभी कभी लगे यही जो होना था हुआ वही, बदलना भी हवाओं का है जरूरी। कभी कभी लगे यही जो मिलना था मिला वही, बिखरना भी दुआओं का है जरूरी।
किसी के वास्ते का समीप आया सुमा, ये दूरियां रही बस दूरियां, कि चोरी चोरी चुप किसे रोना है जरूरी, कि पानी पानी अखियों का होना है जरूरी। क्या लव या जर्नलिज्म? दोनों। ओके, व्हाट हैज हैपेंड टू यू? यू नो जिस नूर को मैं जानता था वो कभी ऐसी लूजर्स वाली बातें नहीं करती थी। देन जस्ट गेट यूज्ड टू इट साद। तुम्हें क्या लगा मैं लंदन में आके तुम्हारे साथ पार्टी करूंगी? मेरा एंबिशन उन दोनों की जिंदगी से ज्यादा जरूरी हो गया था साद। दैट्स डिसगस्टिंग एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ आई कांट गेट दैट इडियट आउट ऑफ माय हेड। कैन यू बिलीव इट, इस सबके बीच में मुझे अपने रिलेशनशिप की पड़ी है। आई हेट माय सेल्फ साद, आई डोंट नो व्हाट टू डू। कुछ नहीं, कुछ मत करो। यू नो व्हाट, करवा चौथ आ रहा है, फास्ट क्यों नहीं रखती तुम उसके लिए? एंड आई थॉट तुम इतनी अपसेट हो क्योंकि उसने तुम्हारी स्टोरी चुराई। इसने बुलाया था मुझे यहाँ पे। कभी कभी प्रॉब्लम से दूर आने से पर्सपेक्टिव मिलता है, इसलिए लाया था तुम्हें यहाँ पर। नो, गलतियां सबसे होती हैं, बट खुद को जज करते रहना इट्स अ विशियस सर्कल। ओके कम, दिस बार इज क्लोज्ड। नो, यस, get dressed, we're going out. Two pints, please. Thank you. No. What is that, Saad? Do no more jhagda. No more jhagda. Cheers. सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। कुछ देर से सोच रहा हूं कि कह दूं, बट यू नो फिर डर लगता है कि
तुम रिएक्ट कैसे करोगी? बोल दो क्या? You know, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी ऐसे नर्वस हो सकता हूँ. Why did you do that, Saad? क्या? तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तेरा वॉलेट तेरे पॉकेट में ही है ना? मुझे बस तेरे फेस पे वो लुक देखना था. और लुक? You know the classic nude look. Seriously, तुझे अपना चेहरा देखना चाहिए था. It was amazing. Found it. All right, just give me a minute, huh? It landed. Definitely need something. Green chili, perhaps. Okay, green chili and lemon. Can you start working on that? Yeah. Tumhari duniya itni beautiful hai, Saad. Tumne itna sab kuch achieve kiya, woh bhi apne aap. You know, इधर आके तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं तुम्हें पहले जानती नहीं थी. You're a self-made man, Saad. That's pretty cool. मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम इतना सब कुछ छोड़ के बार बार मुंबई क्यों आते हो. Because of you. Morning. Morning. Come here. Come here. देखो. What? It's a tree. That's all you see. Just look at it. You know, हम जैसे कई लोग कुछ देर इसकी छांव में खड़े होकर चले जाएंगे, बट ये हमारे पहले से है और हमारे बाद भी यही रहेगा. कितने छोटे हैं हम और कितनी छोटी हमारी प्रॉब्लम्स. So, अगर मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है तो वो ये है, आज के लिए जियो. हाय डैड.
हाँ मैं ठीक हूँ मालती की कोई खबर? मैं वापस आ रही हूँ. What happened? विलास को मार दिया. ये सब मेरी वजह से हुआ है. कब तक मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागू? दरवाजा खोलो. क्यों? जस्ट ओपन इट. डैड प्लीज गाड़ी से उतरो. मालती मालती प्लीज दरवाजा खोल. देख जब तक तू दरवाजा नहीं खोलेगी मैं यहीं बैठी रहूंगी. तू यहां अकेली नहीं रह सकती मालती. प्लीज मेरे साथ घर चल. मालती दरवाजा खोलो बेटा. मालती सब मेरा ही गलती है. ना मैं वो इंटरव्यू देती ना मेरा भाई का चांचा थी. कचड़े में मिला मेरा भाई का लाश. मेरे को भी उठा के लेके गए थे. बड़ी बहन मानती थी ना मुझे. अब
आप लोगों के लिए हम कीड़ा मकोड़ा है ना, कुचलने का, आगे बढ़ के जाने का। मालती, कचरे में मिला मेरा भाई का लाश। बड़ी बड़ी मानती थी ना मुझे, आप लोगों के लिए हम कीड़ा मकोड़ा है ना। शिंदे ने जॉब देने की बात की थी, कहा था नौकरी देगा, लेकिन उसने मेरी किडनी निकाल दी। आप ये डॉक्टर को जानती हैं? सुनिए, प्लीज बताइए। बोलिए। डॉक्टर जिंदे। मोनो साउंड रोलिंग, रोल करो नासिर भाई। Are the Kapadias involved in organ harvesting? No. पिछले कई दिनों के investigations के बाद ये पता चला है कि विलास तांबे की तरह और ऐसे कई victim हैं जो इस organ harvesting scam का शिकार हुए, और इस scam के पीछे हाथ था डॉक्टर दिलीप शिंदे का, जिसने कपाडिया ट्रस्ट को एक फंड की तरह इस्तेमाल किया, पर उनके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण he walked free. मांगखोड़ की ये SRA कॉलोनी डॉक्टर शिंदे के लिए खेल का मैदान है। 9,300 घर, 45,000 लोग, और उनमें से एक विलास तांबे। मालती, विलास तांबे की बहन, जिसने कैमरा के सामने आकर बात करने की हिम्मत की और बदले में अपने भाई को खो दिया। असली बहादुर वो नहीं होते जो कैमरा के, असली बहादुर वो नहीं होते जो कैमरा के पीछे सवाल पूछते हैं। असली बहादुरी वो दिखाते हैं जो कैमरा के सामने आकर सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। तो बताइए, कौन है विलास तांबे का कातिल? इज इट डॉक्टर शिंदे? इज इट द मीडिया? और इज इट यू मुंबई? इट इज यू मुंबई। मॉनसून की पहली बारिश में घंटों तक मैं मरीन ड्राइव पे डांस करती थी। अब घर से निकलने को दो बार सोचती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि भीगे कपड़ों के अंदर सैकड़ों आंखें घुस जाएं। मुंबई, यू मेक मी फील अनरेस्ट। मेरे घर के बाजू सिग्नल है, वहां 7 साल से 2 छोटी-छोटी लड़कियां फ्लावर बेचती है। ले जाओ साहब, गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी। ले जाओ साहब, बॉस खुश हो जाएगा। मैं खुश नहीं हूं मुंबई, क्योंकि तेरी 2 बेटियां मंडे मॉर्निंग 10:30 बजे सड़क पे है, स्कूल में नहीं। And your slums, Mumbai? मैं अंदर तक गई हूं। पैसे कम है लेकिन लोग खुश है। ये खुशी रातों रात किसी बिल्डर का निवाला बन जाता है। You. जिंदा घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, लोग उठाकर यहां वहां फेंक दिए जाते हैं। रिहेबिलिटेशन के नाम पर उनको मिलते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। पर ये तो तेरे लकी सिटीजन है मुंबई, उनका क्या? जो रेलवे के पटरी पर हल्का होने को गए और हाथ पैर वही छोड़ा है।
तेरे पास बाथरूम्स नहीं है इसलिए लोग अपाहिज हुए घूम रहे हैं। मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया मुंबई, तेरी हवा मेरे फेफड़ों को कोयला करने के लिए काफी है। इट्स पॉइजन एंड योर वाटर इज पिस। और टैक्सेस, होली शिट, मैं मर मर के तेरा अकाउंट भरती हूं और बदले में मुझे क्या मिलता है? बंद नालियां, खुले गटर, बर्बाद रोड, काला समुंदर, अ स्ट्रगलिंग पुलिस फोर्स दैट गेट्स पेड पिटेंस। 26/11, 26/7, 7/11 तेरे ऊपर बॉम्ब फोड़े गए, तुझे बाढ़ बहा ले गई, फिर भी तू यू टर्न मार के वापस आ गई वो ऑल इज वेल वाली स्माइल लेके। अरे तेरा गट और गुस्सा दोनों मर चुका है क्या? डोंट टेक अ डीप ब्रेथ मुंबई, डोंट काउंट टिल 10, गुस्सा शांत मत करो। वो सुनामी आया था ना चेन्नई तक, थोड़ा और आगे आ जाता तो बात बन जाती। मुंबई फिनिश्ड, द एंड, तुझे जीरो से वापस खड़ा करते, मर के दोबारा पैदा होती। तू है कौन मुंबई? तुझे पता भी है तू क्या से क्या हो गई है? बन चुकी है तू जो ज्यादा पैसे दिखाए ले जाए। बुद्धा का एक एंशियंट कोट है, द ट्रबल इज यू थिंक यू हैव गॉट द टाइम, योर टाइम इज रनिंग आउट मुंबई। लेकिन मुझे परवाह नहीं है क्योंकि मेरे साथ तू भी मर रही है। बीप यू मुंबई, बीप द बिल्डर्स, बीप द पॉलिटिशियंस, बीप द फिल्म स्टार्स एंड द ब्यूरोक्रेट्स, बीप द टैक्सी ड्राइवर्स एंड द सोशलाइट्स, बीप यू मुंबई फॉर बीपिंग मी। Maybe you and I aren't so different from each other, Mumbai. तू भी अंदर से खोखली है, मैं भी तू भी जीने के नाम पे टाइम पास कर रहे, मैं भी but maybe this is not how you and I should end up. शायद हम दोनों को एक चांस और मिलना चाहिए। If nothing else, prove me wrong. शो मालती सम जस्टिस, बता दे विलास की मौत बेकार नहीं जाएगी, बता दे। You're killing me, Mumbai. शेखर, हेलो नूर, व्हाट आर यू डूइंग हियर? लुक एट मी। यू मे थिंक मैं तुमसे अपसेट हूं क्योंकि तुमने मेरी फैमिली का नाम खराब करने की कोशिश की। मेरी फैमिली ने ऐसी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज देखी है नूर, आई एम नॉट अपसेट बट आई एम एंग्री। And it's because of your absolute lack of respect उस आदमी के लिए जिससे तुमने सब कुछ सीखा है। तुमने उसी पर भरोसा नहीं किया। You let him down, Noor. This is not my fault, Shekhar. तुम ये अच्छी तरह जानते हो। कहाँ है तुम? You need to come here now. वहां जाके give him one tight slap, खींच के।
हम उस दिन आयान के शो में मिले थे। तुम आयान को जानते हो, राइट? Yeah, we've met. You know, आयान ने मेरी बहुत खूबसूरत पिक्चर्स ली हैं। How nice. Look, Noora. I know कि तुम अपसेट हो, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि मेरा इरादा नहीं था तुम्हें अपसेट करने का। These things happen in journalism, yeah. मेरे साथ भी हुआ है। Come on, be a sport. You'll learn the ropes. आगे बढ़ने के लिए सबको करना पड़ता है। Trust me, you'll get over it. It's just a story. Come on, let's get a drink. क्या पी रही हो? Old rum, huh? नूर की तरफ से। हे, तू उसको थप्पड़ मारने गई थी और वो तेरे कान में विस्पर कर रहा था? वो प्रैक्टिकली किस कर रहा था तुझे? How did that happen? See, don't you get it? I'm the idiot here. ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने इसे होने दिया। और उसे थप्पड़ मारने से कुछ बदलने नहीं वाला। कौओं के बीच तुम चील सी थी। हेल शेखर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? योर पीस ब्रिलियंट। व्हाट डू यू वांट? Your report. Mumbai, you're killing me. Actually, maybe I'm already dead. You know, Noor, har jagah ek hi jaise hote hain. Life's unfair. Good people die young. Bure log hamesha lamba jeete hain. Aur hum journalists, vultures ki tarah logon ki lives ko noch noch kar apni life banate hain. So, you're going in for the big kill. But सवाल ये है कि नहीं? सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट कहते हैं कि बेस्ट टाइम टू पोस्ट समथिंग ऑनलाइन इज दोपहर के 3 से 5 बजे के बीच। Here goes. मुंबई के नूर रॉय चौधरी के सोशल मीडिया वीडियो ने न सिर्फ कॉमन मैन को सोचने पे मजबूर किया है, जर्नलिस्ट नूर रॉय चौधरी की रिपोर्ट इंटरनेट पर पूरी तरह वायरल हो चुकी है। सिटीजन जर्नलिस्ट नूर रॉय चौधरी का सोशल मीडिया पोस्ट जैसे लोगों के दिलों से कनेक्ट हो गया है। कुछ ही घंटों में इंडिया की कई सिटी से सिमिलर सिटीजन जर्नलिस्ट पोस्ट आना शुरू हो गए हैं। असली बहादुरी वो दिखाते हैं जो कैमरा के सामने आकर तू मुझे मार रहे हैं। अब पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, तभी उन्हें देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है। सिटीज आर फॉलिंग अपार्ट और हम कब तक आंखें बंद करके प्रिटेंड करते रहेंगे कि जो भी हो रहा है किसी और का प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। तेरे पास बात कर रहे हैं इसलिए लोग अपाहिज हो रहे हैं। गाड़ी चलाने के लिए सड़कें तो है। जगत सर्वात जास्त स्मार्टफोन आपल्या देशात आहेत आणि सर्वात जास्त स्त्री भ्रूण हत्या ही आपल्याच देशात होतात। अशा प्रगतीचा काय फायदा की त्याच देशात जन्माला येतच मुलींना मारून टाकतात। देखो क्या है आसपास।
The world's biggest democracy, a mass protest is getting strained, despite government efforts to contain it. एक मिनट, पहले ये सब क्या हो रहा है, प्लीज एक्सप्लेन। 1.7 मिलियन व्यूज, 2,100 शेयर्स, एंड एक मिनट, ट्विटर पे 28,310 फॉलोअर्स। यू नो, तू अपना ऑटोग्राफ प्रैक्टिस कर ले, भगवान ने तेरी सुन ली। यू हैव ऑफिशियली बिकम फेमस। यू नो, भगवान तुम्हारी तभी सुनता है जब वो तुम्हें सबक सिखाना चाहता है। डूड, ये ट्रोल्स ने तो जान ले रखी है यार। अरे कुछ तो ट्रोल्स कहेंगे, ट्रोल्स का काम ही है कहना। But listen, you started a conversation and one that needs to be had. और वैसे भी तुझे कभी किसी अप्रूवल की जरूरत पड़ी है क्या? अगर इसमें से एक चीज अच्छी निकली हो तो वो है कि मालती ने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मेरे लिए दरवाजा खोलेगी? There's only one way to find out. कैसी है मालती? मैंने आपका वो वीडियो देखा फेसबुक। आज विलास का जन्मदिन है। आज होता तो 30 साल का होता। मैंने जो किया उसके लिए जितनी माफी मांगो ना, कम है। और वो दिन जो तूने कहा था ना, फिर कभी किसी से मत कहना। तुम्हारी लाइफ भी मेरी लाइफ जितनी कीमती है। और डिम्पी
देखो काम करते हो उठाओ तो अंकल को भी गुस्सा। और अब वो जर्नलिस्ट जिसकी स्टोरी ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नूर रॉय चौधरी। गुड इवनिंग नूर एंड वेलकम टू द शो। गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुंबई, यू आर किलिंग मी। आपकी स्टोरी एक तरह से कहा जाए तो असल में विलास तांबे के बारे में है, बट एक्चुअली ये स्टोरी पहले भी ब्रेक हो चुकी है। वो स्टोरी सिर्फ कपाड़िया फैमिली पर उंगली उठा रही थी, यू नो सेंसेशनल स्टफ। हर जहाज में चूहे होते हैं एंड आई एम श्योर कि कपाड़िया फैमिली के ऑर्गेनाइजेशन में भी होंगे। इससे खामखा वो स्कैंडल में फंस गए। आई एग्री कि ये स्टोरी की वजह से एक इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर हुई, पर उसमें कुछ वजन नहीं था। इट्स वेरी पुअरली रिसर्च्ड। जो असली कल्प्रिट है डॉक्टर दिलीप शिंदे, उनका तो एक बाल भी बाका नहीं हुआ। ही वॉक्ड फ्री। और जो विक्टिम है विलास तांबे, उसकी जान चली गई। एंड आई शुड नो दिस, वो मेरी स्टोरी थी। क्या आप ये सजेस्ट कर रही हैं कि जर्नलिस्ट अयान बनर्जी ने आपकी स्टोरी प्लेजराइज की? Apparently these things happen in journalism. बट मैं इतना ही कहूंगी कि बिना ठोस फैक्ट्स के, बिना ज्यादा रिसर्च किए, बिना ये समझे कि जब ये स्टोरी ब्रेक होगी तो सब्जेक्ट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, हम चंद TRPs के लिए, रेटिंग्स के लिए स्टोरी चला देते हैं। हर स्टोरी का एक न्यूज साइकिल होता है और जैसे ये साइकिल खत्म, न्यूज मर जाती है। ऐसा ही कुछ ये स्टोरी के साथ भी हुआ। As soon as Ayan Banerjee broke this piece on the internet, आपने, मैंने और हमारे जैसे हर जर्नलिस्ट ने स्टोरी को उठाया। पैनल डिस्कशंस हुए, हैशटैग्स बनाए गए और इस शोर के बीच में रातों रात विलास तांबे को क्रिटिकल कंडीशन में उठाकर त्योना डंपिंग ग्राउंड में फेंका गया टू डाई। ना रहेगा विलास, ना मिलेगा सबूत। एंड ऑफ स्टोरी। देन आई हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, अगर आप आज अयान बनर्जी से मिलती तो आप उनसे क्या कहती? एक्चुअली नो, लेट मी रीफ्रेज दैट। आपके हिसाब से अयान बनर्जी आपको क्या कहता? ही वुड से, It's just a story. आपकी बातों से ऐसा लगता है कि ये स्टोरी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। नूर, हमारे शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी अगली स्टोरी का हमें इंतजार होगा। अक्सर जो लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं वो अंदर से बहुत कमज़ोर निकलते हैं। ये सोच के अजीब लगा कि अयान अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से इंसानियत खो चुका था। वो दूसरों के लिए फील ही नहीं कर पाता था। कहीं ना कहीं आई फेल्ट पिटी फॉर हिम। आखिर एक लड़ाई वो भी तो लड़ रहा था खुद अपने आप से। क्या सक्सेस की सीढ़ी पर ऊपर और ऊपर चढ़ते जाना ही सब कुछ है? ऐसी सक्सेस का क्या फ़ायदा जो हमारे अपनों को हमसे दूर करते? उनको अपने साथ लेके चलो तो और भी मजा आएगा। मालती और वो तमाम लोग जो डॉक्टर शिंदे के स्कैम का शिकार हुए थे, उन सभी ने गवाही देने की हिम्मत दिखाई। और वो कहते हैं ना, ट्रूथ नेवर लूजेस। आई डोंट हेट माई लाइफ, इनफैक्ट आई लव माई लाइफ। I love everything about it, except मेरा weight, जो अब भी same to same है।
हार मान। बाय डैड, टाटा। बाय, गुड लक। अंकल चाय पाइजे का? बिल्कुल पाइजे चाय। हाँ? हाँ। You were great. Thanks to you. कहीं जा रही है? हाँ, CNBC में इंटरव्यू है, सीनियर करेस्पोंडेंट के जॉब के लिए. And I'm late. कुछ चीजें कभी नहीं बदलती. तुमने ये प्रूव कर दिखाया नूर कि ये शहर ही नहीं, न्यूज़ भी बदल रही है. और तुम फिर भी उसी पुराने जमाने के न्यूज़ चैनल वाले ट्रैक में फंस रही. उस झील का क्या हुआ? और ये क्या है? इतनी मुश्किल से खुद को ढूंढा और फिर भूल गए. कैसे ये कपड़े रोज रोज पहनते? मेरा तो दम घुट रहा है स्कर्ट में. मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए. क्या? चल. कहाँ? चल. Now I'm really gonna be late, yeah? कहाँ लेके जा रहे हो शिखर? कैसा लगा? Ulti.com. रद्दी कमरा है. ये रद्दी कमरा अब तुम्हारा है. हाँ? तुम्हारा ऑफिस, to be precise. पूरे साल का रेंट दे चुका हूँ मैं. You are the boss. जिसे चाहे हायर करो. वो स्टोरीज करो जो तुम हमेशा से करना चाहते हो. लवीना को पता है? उसी का आइडिया है. तुम मुझे उस इंसान की याद दिलाती हो जो मैं कभी था. शिखर इज स्टिल अ जोकर. जोक जोकर. मैं कहने वाली थी जर्नलिस्ट, बट ओके. मुंबई इज इंट किलिंग यू नूर, इट्स मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर. How are you feeling? Good. Grateful. And what about men? What about men? You know, Noor, मैं सोच रहा था कि suppose अगर मेरे जैसा लड़का तेरी जैसी लड़की को propose करे, then तेरी जैसी लड़की का answer क्या होगा? अगर तेरे जैसा लड़का मेरी जैसी लड़की को प्रपोज करे, क्या तो मैं क्या बोलूंगी? नहीं, तू नहीं, तेरी तेरी जैसी लड़की क्या बोलेगी? Let me think. So what you're saying is that अगर तेरे जैसा लड़का मेरी जैसी लड़की को प्रपोज करे तो मैं तो वो क्या बोलेगी? वो क्या बोलेगी? क्या मैं बोलूंगी we should live together first, no? Wait, ये तुम कह रही हो या तुम्हारी जैसी लड़की? To be clear. साथ You're being extraordinarily annoying today. Are you proposing to me? Saad? Are you proposing to me? Just chance maar raha. You just want to get into my pants. Main koi chance nahi maar raha hu aur teri pants mere liye loose hongi. I don't understand. Okay. But bolna. Tu hoti to kya kehti? Really getting back on this merry-go-round. क्यों चक्कर आ रहे हैं? It's okay, you know, लड़कियां मेरे साथ होती हैं, they do feel dizzy. लगा देता हाँ कहते. What? हाँ, मैं होती तो हाँ कहती, but मैं नहीं हूँ ना, मेरी जैसी लड़की है. हाँ, but you would say yes. Yes, but you're not asking. That's true. But would you? Are you asking? Me? Am I asking? Not someone like me. Saad, can we end this conversation before one of us dies?
So you said yes. Shut up, Saad. Yeah. Move your luck, baby. Move your luck, baby. Sari raat se morning tak, baby. Move your luck, baby. Move your luck, baby. Sari raat se morning tak, baby. Move your luck, baby. Move your luck, baby. Sari raat se morning tak, baby. Move your luck, baby. Move your luck, baby. Sari raat se morning tak, baby. Morning tak baby, move your luck baby, move your luck baby. Sari raat se morning tak baby, move my luck baby, move my luck baby. Sari raat se morning tak baby. लक तेरा हिले जैसे पेंडुलम बेबी इसे कैसे करे हैंडल हम नई गाड़ी की कसम देख के तुझे बिगड़ा है मेरा मानसिक संतुलन बेबी लड़कों के दिलों से मत कर तू प्ले बेतू की बातें ना कर बन जा बे वैसे तो नाना प्रकार की लड़कियां हैं यहाँ पर बट तू करती है स्ले खटी मीठी लगे जैसे जिंजर एल देखी नहीं तेरे जैसे कोई फीमेल लंबे कट्टे निकलवा दे फिगर तेरी के आगे दिल्ली की गर्मी है फेल किसी पल्ले कख बेबे मूव योर लक बेबे मूव योर लक बेबे सारी रात से मॉर्निंग तक बेबे मूव माय लक बेबे मूव माय लक बेबे सारी रात से मॉर्निंग तक बेबे मूव योर लक बेबे मूव योर लक बेबे सारी रात से मॉर्निंग तक बेबे मूव माय लक बेबे मूव माय लक बेबे सारी शुपो